हरे कृष्णा। पूरे संसार में या पूरे संसार को चलाने के लिए हर देश में एक अच्छे नेता की जरूरत पड़ती है। नेता कैसा होना चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए, उसका क्या धर्म होता है, क्या राजधर्म है, ये जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी होनी चाहिए नेता के गुणों को, राजा के गुणों की, राजा को भी और प्रजा को भी। आजकल के परिवेश में देखें तो हम जिन लोगों को नेता मानते हैं या जो लोग नेता बनते हैं या जिन लोगों को नेता चुना जाता है, उसका आधार क्या होता है। आजकल के परिवेश में देखें तो चुनाव होते हैं और उन चुनावों में पहली बात तो टिकट किसको मिलता है, अलग अलग लेवल पे चुनाव होते हैं तो टिकट उनको मिलता है जो किसी पार्टी का बहुत ही वफादार कार्यकर्ता, उसने पार्टी के लिए काम किया हो, लोगों को इकट्ठा किया हो, उनकी सभाओं में लोगों को लेकर आया हो, उनके लिए जय बोला हो, नेताजी की जय, कार्यक्रमों में मैनेजमेंट किया हो, कार्यक्रमों में दरियां बिछाई हो, सबको चाय पिलाई हो। और इस प्रकार जब टिकट का टाइम आता है तो उनसे फेवर लेना कि सर मैं तो देखो कब से चाय पिला रहा हूँ, दरियां बिछा रहा हूँ, आपके लिए मैनेजमेंट कर रहा हूँ, जिस प्रोग्राम में भी आप जाते थे मैं उस प्रोग्राम में सब हमेशा आपके साथ जाता था, आपकी हाँ में हाँ मिलाता था, आपके कामों को करता था, आपके एक नंबर के काम, आपके दो नंबर के काम सब जानता हूँ, आज तक किसी को नहीं बताए। तो आपको लगता नहीं है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए? तो कई बार ऐसे लोगों को टिकट मिलता है, कई बार ऐसे लोगों को मिलता है जो समाज में जिनका रुतबा ज़्यादा है, जिन्होंने मारपीट या बदमाशी ज़्यादा की हो, जो कई बार जेल होकर आए हों और अपने बचाव के लिए उन्हें एक टिकट चाहिए कि नेता बन जाऊंगा तो पुलिस आसानी से हाथ नहीं मारेगी, केसेस को लंबा करा सकता हूँ, कोई ना कुछ पैसा खिला कर सब कुछ बंद करा सकता हूँ। तो कई बार टिकट का आधार ये भी होता है। कई बार समाज के ऐसे वर्ग या ऐसे लोग भी टिकट का आधार बनते हैं जो सात्विक वृत्ति के थे, अच्छे लोग थे। वैसे तो बड़ा मुश्किल है ऐसे लोग ढूंढना और आना, पॉलिटिक्स में वो लोग आते ही नहीं, बट फिर भी जिनका थोड़ा नाम है, रुतबा है, तो कई बार ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है जिनके पास मटेरियल क्वालिफिकेशन हो, बहुत रेयरली होता है सभी। तीसरा, कुछ लोगों को ऐसा टिकट मिलता है जिनके पास धन धान्य खूब है और वो पार्टी को एक अच्छी डोनेशन देते हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम को करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है। कार्यकर्ताओं को लाने के लिए भी कुछ लोग बताते हैं कि पैसा दिया जाता है, ये चुनावों के टाइम पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है तब जाकर। तो ये पैसा आता कहाँ से है? जितना हमने सुना या जानकारी है, पता चलता है कि ऐसे धनाढ्य लोग अपने कामों को करवाने के लिए, अपने बिजनेस की फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इल्लीगल काम करने के लिए भी कई बार मदद करने पर ऐसे लोगों को डोनेशंस देते हैं पार्टीज को, या फिर वो लोग धन के बल पर टिकट लेते हैं कि सर आप मुझे ये MLA का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट अगर देंगे तो मैं 2 करोड़ या 5 करोड़ या 4 करोड़ दूंगा। उनको लगता ठीक है पार्टी में फंड आया, बाकी हमें क्या लेना देना, जब ये पार्टी में फंड आ गया तो ये काम कर लेगा जैसे करना है। क्या विचारधारा है हमारी पार्टी की, सरहद है कि नहीं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। या फिर एक काम और देखते हैं हम लोग कि इन लोगों को जो है टिकट मिलने के बाद जिन्होंने पैसा लगा दिया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उनका नेता बनने के बाद क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य होता है हाउ टू एक्सप्लॉइट नाउ, कि मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था अब मैं कैसे इस पद पर बैठकर मैं कैसे अपने उन सारे कामों को कर सकूं, इलीगल काम हो चाहे लीगल काम हो, या मैं अपना पैसा पूरा कर सकूं। तो वो जब नेता बनता है तो वो उन कामों को करना चाहता है जो उसने धन उपार्जन में उसकी मदद करें, और कितना कमाऊं कि इतना कमा लूं, इतना बैंक में इतनी प्रॉपर्टीज बना लूं कि मेरी आने वाली 50 पुश्तें भी खा सके। तो इस प्रकार जब नेता व्यक्ति बन जाता है उसको कोई मतलब नहीं होता समाज के रखरखाव से, सेवा से, कुछ ना कुछ तो करना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगले 5 साल बाद फिर वो नहीं आएगा,
इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोजेक्ट कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर दे दे के काम कराए जाते हैं, उसमें भी लोग बताते हैं कि उसमें भी उनका हिस्सा होता है ऐसा कुछ करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के अंदर नेता जिसे बोला जाता है वास्तव में नेता मिलता नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से राज धर्म राज ऋषि हुआ करते थे लोग, ऐसे ऐसे महान राजा हुए इस देश में कि जिनका चरित्र बड़ा चरित्रवान हुआ करता था, गुणों से भरपूर होते थे और जो केवल समाज के लिए जीते थे, लोगों के वेलफेयर के लिए जीते थे, जिन्हें मालूम होता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे अगर ये सेवा दी गई है नेता की तो मैं किस प्रकार लोगों का भला कर सकूं। भगवान कृष्ण कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत्प्रिय जयनतरा, अर्थात समाज के श्रेष्ठ नेता लोग जैसा कार्य करेंगे सामान्य जन उसको फॉलो करेंगे। हम देखते हैं इतिहास में राजा परीक्षित जो कि पूरी पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने कितना सुंदर राज्य किया और जब उनके राज्य में एक कलयुग जो है किसी गाय के ऊपर प्रहार कर रहा था तो उन्होंने उसे रोका, उसको मारने का भी प्रयास किया, उसने माफी मांगी तो छोड़ दिया। तो किस प्रकार राजा धर्म का पालन करते थे, धार्मिक हुआ करते थे, साथ में पर्पस ऑफ लाइफ भी जानते थे। वो जानते थे कि प्रजा का मतलब खाली दो पैर वाले लोग नहीं, उनको मालूम था प्रजा का मतलब हर जीव और जंतु भी उनके राज्य में प्रजा है और सब लोग संतुष्ट रहें, इस प्रकार के कार्य करते थे। राजा को मालूम था क्योंकि राज ऋषि हुआ करते थे कि धर्म क्या है, उन्हें पता होता था कि मनुष्य जीवन में व्यक्ति को अल्टीमेटली भगवान के धाम जाना चाहिए और जब तक वो यहाँ पर है तब तक उसके वो सब सुख सुविधाएं और धर्म को पालन करने का ऐसा वातावरण होना चाहिए कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। राजा इतना गुणवान होता था, इतने सुंदर कार्य करता था, ऐसे अरेंजमेंट्स करता था जिससे कि लोग भक्ति को आराम से कर सके, क्योंकि राजा को पता था कि अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा और ऐसा वातावरण तैयार करूंगा जिसमें लोग भक्त बने पापी नहीं तो उसका फल भी राजा को प्राप्त होता था एक भाग। लेकिन अगर राजा ठीक प्रकार से कार्य नहीं करे और गलत कामों में लगा रहे, केवल अपने ही लिए सोचता रहे, अपने लिए धन इकट्ठा करते रहे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहे, टैक्सेस लगाए और भाड़ में जाए दुनिया, इस चिंता से इस तरह की चिंतन से इस तरह की मेंटालिटी से वो आगे बढ़े तो समझ लीजिए जनता जो गलत काम करेगी उस गलत काम करने पर भी जो पाप वो कर रही है, चाहे मांस भक्षण के रूप में, एक दूसरे की हत्या के रूप में, चोरी या वैध संबंधों के रूप में, तो राजा को भी इतनी सारी प्रजा के द्वारा किए गए गलत कार्य का एक भाग उसके अकाउंट में आता है। और फिर राजा जो है अगर ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो सामान्य जनता भी जो है धीरे धीरे गलत रास्तों में निकल जाएगी। श्रीमद् भागवतम में महाभारत में हमें इतिहास में जो पीछे घटनाएं घटी हैं उसमें पता चलता है कि किस प्रकार अच्छे अच्छे राजा हुए जिन्होंने अपने जीवन आचरण से ये दिखाया कि जीवन का लक्ष्य भक्ति है। जैसे राजा अम्बरीश हुए, उन्होंने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने पैरों को, अपनी जिह्वा को, अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाया। उतना सुंदर एग्जाम्पल है एक राजा का। राजा राज्य करते हुए भी भक्त है इसलिए उनको राज ऋषि कहा जाता था। अपने हाथों से उन्होंने मंदिरों की सफाई करी, अपने पैरों से मंदिरों में तीर्थों में जाने का भ्रमण किया और साथ ही साथ अपनी वाणी से कृष्ण कथा की, अपनी वाणी से भगवान का नाम लिया, अपने कानों से भगवान की कथा सुनी, अपने मन को सदैव भगवान के चरण कमलों पर लगाया। ये कार्य करते हुए उन्होंने राज्य किया तो जब लोगों ने देखा कि राजा इन कामों में लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि राजा अगर भक्ति कर रहा है तो भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राजा कर रहा है तो महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें भी करना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने कहा यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग कार्य करेंगे सामान्य जन वही करेंगे। तो देखा जाता है कि जब अच्छे लोग समाज के ये कार्य करते हैं भक्ति का तो सामान्य जन कर रहे हैं, इसलिए राजा ऐसा आदर्श पेश करते थे जिससे कि सामान्य जन भी उसको फॉलो कर सके। अगर राजा भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर रहा है भक्ति कर तो सामान्य जनता को लगता था इसका मतलब क्या है कि इस संसार में मनोरंजन करना या भोग विलास करना या फिर धन को एकत्रित करना या मन को हमेशा विचलित रखना फालतू के कामों में, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो वह है जो राजा भी प्राप्त कर रहा है, इसलिए फिर जनता उसी का पालन करती थी।
अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, युधिष्ठिर महाराज सदैव सत्य का पालन करते हुए उन्होंने कितना सुंदर ढंग से जो है पराजय करा, सबको पराजित किया। तो ये सब जो राजा हैं ये राज धर्म का पालन करते थे। राजा रात को अपनी जनता की खबर लेने के लिए छुपे भेष में जाते थे और पता करते थे, बताओ क्या हुआ, कहाँ दिक्कत है, कहाँ तकलीफ है, और फिर उसको ठीक करते थे। सही ढंग से न्याय करते थे, इस तरह से नहीं कि जिसने पैसा ज़्यादा खिला दिया नतीजा उसके फेवर में कर दे, नहीं, राजा न्याय करते थे। उनके राज्य में तो जानवरों तक को भी न्याय मिलता था, लेकिन आज इस कलयुग में ना तो राजा धार्मिक ग्रंथों से ओतप्रोत है, ना तो उसी जीवन का लक्ष्य मालूम है। इसलिए जब हम देखते हैं कि राजा को ही जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, आजकल के नेताओं को ही जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, इसलिए धर्म उनके लिए जीवन का लक्ष्य ना होकर भोग उनके लिए जीवन का लक्ष्य है। इसलिए वो भी कमाना चाहते हैं 5 साल में इतना कि जन्मों जन्मों तक खाते रहें, और फिर जनता को लगता है जब राजा लूट रहा है तो हम क्यों ना लूटें, तो फिर राजा ने भी लूट रहा, जनता ने भी लूटना शुरू किया, उन्होंने भी चोरियाँ शुरू करी, और इस प्रकार राजा और प्रजा सभी लोग जो हैं पाप में रत हो जाते हैं। इसलिए इसका फल ये होता है, प्रजा को तो नरकों में जाना पड़ता है, साथ ही साथ राजा को भी कई कई जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है, क्योंकि वो मार्गदर्शन कर सभी का सबको भगवत धाम ले जा सकता था। इसलिए हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल इस प्रकार के जो शास्त्रों में हैं, युधिष्ठिर महाराज का जो सदैव धर्म का पालन करते रहे, जड़ भरत महाराज का जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने राज को, अपने बच्चों में इत्यादि में दे दिया और सबका त्याग कर वो जंगल में चले गए एक समय के बाद और भजन करना शुरू किया। राजा दशरथ, उन्होंने भी जब देखा कि मेरा बाल अब सफ़ेद हो गया एक, तो मुझे जो है रिटायर होना चाहिए और अपने पुत्रों को समाज का कार्य देना चाहिए, तो राजा दशरथ ने भी जो है राम का राज्याभिषेक करने का प्रयास किया और खुद को रिटायर करना चाहा। तो ये एग्जाम्पल हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो इस संसार में समाज में हैं वो देखें कि हमारे नेता कैसे हैं। अगर नेता ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे तो हम चुनाव ही ना करें उनका, हम उन्हें वोट ही ना दें, क्योंकि अगर किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर दिया तो उसके द्वारा किए गए पापों का भी भोग हमें करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते जी सरकार ने कह दिया कि करो करो, सरकार को हमको बताना चाहिए ना कि आप ऐसे लोगों को, क्वालिफाइड नेताओं को आप टिकट दीजिए जिसके अंदर धर्म प्रोमिनेंट हो, जिसके पास एजुकेशन हो, जिसके पास करुणा हो, जिसके पास ह्यूमिलिटी हम्बलनेस हो, इन गुणों के साथ ओतप्रोत हो, तभी तो वो समाज में सब लोगों की सेवा कर पाएगा। नहीं तो वो अपने को आइडेंटिफाई करेगा एज अ बॉडी और उसी के आधार पर काम करेगा, तो सारे के सारे काम केवल और केवल सेल्फ सेंटर्ड होंगे, वो सेल्फिश होंगे, लेकिन वो सेल्फलेस कभी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम देखते हैं जब कभी कोई धार्मिक राजा बनता है जो राज धर्म का पालन जानता है तो लोग उनसे आकर्षित होते हैं, उनके कार्यों से आकर्षित होते हैं, समाज में पाप कम हो जाते हैं, समाज में लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, चोरी खत्म हो जाती है, इलिसिट रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि राजा ऐसा है जो धार्मिक है, अपने आप ही लोगों के अंदर हृदय परिवर्तित होने लगते हैं और इस प्रकार लोग जो हैं भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं। क्यों करते हैं राजा ऐसा? क्योंकि राजा ने धर्म का ज्ञान है, राजा को धर्म का ज्ञान है, वो जानते हैं जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति नहीं, इस पूरी क्रिएशन, ये जो पूरी क्रिएशन हुई है ये जीवात्मा की फ्री विल की वजह से हुई है, उसने भगवान के सम्मुख इच्छा करी कि मैं भोग करना चाहता हूँ, तो भगवान ने एक ऐसा संसार बनाया भौतिक जगत जहाँ पर उन जीवात्मा को डाल दिया। अब ये जीवात्माएं इस संसार में भोग कर रही हैं 84 लाख प्रकार की योनियों में आकर, हर योनि में आहार निद्रा भय मैथुन के प्रयासों में लगा है, जीवन का लक्ष्य नहीं जानता, और इस प्रकार यहाँ पर रहते हुए वो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, अलग अलग योनि में आता है। बताते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में भेजा जाता है और जीवन और मरण चलता रहता है। तो जब राजा लोग ऐसा धर्म का ज्ञान जानते थे, क्योंकि धर्म का ज्ञान कैसे हुआ, क्योंकि वो राज ऋषि हैं, दूसरा कैसे हुआ कि ब्राह्मणों को वो सदैव अपने साथ रखा करते थे मार्गदर्शन के लिए। ऐसे ब्राह्मण लोग जो सेल्फलेस हैं, जो राजा को गाइड करते थे कि राजा इस दशा में, इस परिस्थिति में, इस समय आप इस कार्य को करिए,
इस डिसीजन को लीजिए जिसमें लोगों का भला हो, तो राजा उनके मार्गदर्शन में राज्य को चला देते। तो इस प्रकार जो है हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि राजधर्म क्या है और वो कैसे पालन किया जाता था। तो बताया जाता है कि जब राजा को ये पता चल जाता था कि जीवन का लक्ष्य केवल आहार निद्रा भय मथुन नहीं है, जबकि इन सब जीवात्माओं को भगवान के धाम वापस भेजना है जहाँ पर आनंद है, सुख है, मृत्यु नहीं है, तो राजा भगवान के कार्य में मदद करता था। इसलिए राजा को भी भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है, गुरु को भी भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है, माता पिता को भी भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो लीडर है समाज के जो पहले ज्ञानवान हुआ करते थे और मार्गदर्शन करते थे लोगों का, ताकि उनको भगवान के पास वापस ले जाया जा सके। इसलिए जब राजा ये देखता है कि समाज में लोग गलत कामों में लगे हैं, तो वो उनको पनिशमेंट देता है, नियम बनाता है, ताकि इन नियमों की वजह से वो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन पालन करते हुए इस समाज में जी सके। लेकिन अगर रूल्स और रेगुलेशन तो बना दिए, लेकिन राजा धार्मिक नहीं है, वो जानता नहीं है कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, और जो भगवान का हृदय है वो ये कि जो जीवात्माएं मुझसे छूट कर बिछड़ कर इस संसार में भोग कर रही हैं और संसार में आकर पनिशमेंट मिल रही है जिनको बार बार जन्म मृत्यु के रूप में, मैं चाहता हूँ कि सारे जीवात्माएं मेरे पास वापस आ जाएं। तो राजा ऐसी व्यवस्था करता था कि सभी जीवात्माएं भगवान के नज़दीक जा सके। तो इस प्रकार राजा धार्मिक होता था, धर्म का पालन करता था, अपने बच्चों से भी कराता था, और समाज में सब लोग धर्म का पालन करें इसका ध्यान रखता था। इसलिए वो भेष बदल कर समाज में चक्कर लगाता था, कहाँ गलत हो रहा है, क्या ऐसे रूल्स रेगुलेशन टूट रहे हैं, तो उसको फिर से ठीक किया जा सके। इसलिए हम देखते हैं कि समाज में आज उस प्रकार के राजा नहीं रहे, इसलिए पूरा का पूरा समाज दुखी है, परेशान है, डिस्टर्ब है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कोई व्यक्ति जो है आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि राजा लोग भी लूट रहे हैं तो प्रजा भी लूट रही है एक दूसरे को, और इस प्रकार कलयुग की वजह से, अज्ञानता की वजह, अंधकार की वजह से हर व्यक्ति दुखी है। इसलिए अगर राजा धार्मिक नहीं, अगर राजा सबका ख्याल नहीं रखता, सभी विश्वास, सभी मत के विश्वास करने वालों का ख्याल नहीं रखता, वो इस प्रकार के अरेंजमेंट्स करता है जैसे कि सभी धर्मों के लोग भक्ति में अग्रसर रह सकें, वो केवल इस प्रकार के प्रयास करता है। तो अगर वो अपना इस धर्म का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? समाज बिखर जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने मूलभूत कार्यों को, जो उनको दिए गए नियत कार्य, वो नहीं करेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम छोड़ देंगे, क्षत्रिय जो हैं ठीक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, रक्षा नहीं करेंगे समाज की, वैश्य लोग भी अपने कार्य को छोड़ देंगे, टैक्स बचाएंगे और खुद खाना शुरू कर देंगे, और जो शूद्र लोग हैं वो भी जो हैं चोरी करना शुरू कर देंगे, उन सबको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, मार पिटाई शुरू कर देंगे, तो पूरे के पूरे समाज में जो है झगड़े शुरू हो जाएंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजा लोग मॉरल वैल्यूज़ के बेसिस पे समाज को चला रहे हैं, कुछ अपना भला किया, कुछ समाज का भला करना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि असली भला है किस में। तो जब हम देखते हैं जिन राजाओं के बारे में हम सुनते हैं इतिहास में, उन लोगों ने इसलिए इतने सुंदर ढंग से राज्य किया कि राज्य में सभी लोग भगवान के भक्त हुआ करते थे, और वो भक्त लोग सदैव कीर्तन में, भगवान के नाम में, उनकी कथाओं में आनंद लिया करते थे, तो राजा बहुत प्रसन्न होते थे, और क्योंकि राजा इतना अच्छा काम करा रहे हैं तो भगवान उनसे प्रसन्न हुआ करते थे, इसलिए उनको राज ऋषि कहा करते थे। ऋषि भी हैं, भक्त भी हैं, और राज भी कर रहे हैं, और राज धर्म का पालन कर रहे हैं, ना कि इस प्रकार गलत कामों में लगे हैं। ये तो बाद में हुआ, लोगों ने गलत कार्य शुरू करे। गलत कैसे शुरू किए? कि ब्राह्मण ने ज्ञान देना बंद कर दिया, वेद पढ़ने बंद कर दिए, शास्त्रों का ज्ञान केवल ब्राह्मण कुल तक ही सीमित रखा, प्रचार ढंग से नहीं किया, और धन लोलुप हो गए, अर्थात हर बात पर उनको दक्षिणा चाहिए, हर बात पर इंद्र तृप्ति के सोर्स चाहिए। तो राजाओं को लगा जब ये ब्राह्मण लोग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे तो फिर हम इनको दान क्यों दें? तो उन्होंने क्या किया, राजाओं ने ब्राह्मणों को हटा दिया मार्गदर्शन के रास्ते से, और फिर खुद भोग करना शुरू कर दिया। जब राजाओं ने टैक्स लगाकर भोग शुरू किए तो वैश्यों को लगा कि हम खेती करते हैं, हम बिजनेस करते हैं और टैक्सेस इनको देते हैं, हमारे पैसे से ये गलत काम करते हैं, तो उन्होंने टैक्स चोरी शुरू कर दी वैश्यों ने, और बाकी धन खुद अपने पास रखना शुरू कर दिए। इसके बाद
शूद्रों को लगा जब ब्राह्मण ठीक नहीं है, राजा एंजॉयमेंट में लगाए और वैश्य लोग टैक्स नहीं जमा करा रहे, तो फिर हम लोग ही क्यों पिटे, तो क्यों ना आओ इनके ऊपर आक्रमण करें और इनसे सारा धन छीन लें। तो पूरा समाज जो है बिखर जाता है, धर्म का पालन नहीं होता, जिसकी वजह से नुकसान जनता का, प्रजा का होता है, सब लोग लंबे समय तक नरकों में रहना पड़ सकता है। इसलिए नेता चुने तो ऐसे व्यक्ति को जो धर्म का पालन करता हो, जो राज धर्म का पालन करना जानता हो, जो राज ऋषि हो, जो ब्राह्मणों की सेवा करता हो और ब्राह्मणों के ही मार्गदर्शन से राज्य को चलाता हो, और जिसके अंदर धर्म का ज्ञान हो, जो भक्ति करता हो और भक्तों में, भक्तों को, जनता को भी भक्ति में लगाता हो, इस प्रकार अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सही प्रकार से राज धर्म का पालन करेंगे या सही ढंग से लोगों को चुनेंगे, इससे हमारा पूरा समाज शांत रहेगा, सुखी रहेगा, आनंद रहेगा। हरे कृष्ण।